हाल में, चाहे उसके लिए तोड़ना पड़े या बांटना पड़े, उससे कोई गुरेज नहीं है। जी हाँ, 1947 में देश का बंटवारा हुआ और जिम्मेदार जिन्ना और नेहरू थे, क्योंकि इन दोनों को राज करना था किसी भी हालत में, और फिर उन्होंने देश के दो भाग कर दिए। अभी वही पंजाब में केजरीवाल कर रहे हैं, ऐसा आरोप भाजपा नेता और उनके करीबी रहे कुमार विश्वास की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में दिखावे के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ पंजाब में उसी तिरंगे का अपमान हुआ है। जी हाँ, जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो देश विरोधी लोग हैं, जो तिरंगे और हमारे देश की जो अखंडता है, प्रभुत्ता है, उसका अपमान कर रहे हैं, और देश विरोधी नारे, देश के तोड़ने की बातें की जा रही हैं। पंजाब के अमृतसर में पंजाब पुलिस व प्रशासन की देखरेख में खालिस्तान के समर्थन में रैली निकाली गई है, जिसमें नारे जो लगे हैं वो हैं, पंजाब बनेगा खालिस्तान, हम लेके रहेंगे आजादी, और केजरीवाल की भगवंत मान सरकार उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो देख लीजिए ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हर पंजाबी असी लेके रहेंगे, असी धोखे लवांगे, हक्के धक्के असी लेके रहेंगे। जगिंदर सिंह दा की पैगाम जा करेगा खालिस्तान, पंजाब वालों दा की अरमान जा करेगा खालिस्तान, जगिंदर सिंह दा की अरमान जा करेगा खालिस्तान, कैसे नारे लग रहे हैं, खालिस्तान की मांग हो रही है और पंजाब पुलिस के देखरेख में ये सब हो रहा है। वहीं एक और वीडियो सामने आया है जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने खालिस्तानी नारेबाजी की है, जो कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी की है, जहां पर स्वर्ण मंदिर के गेट तक पहुंचे सैकड़ों की संख्या में लोगों ने खालिस्तानी नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने अपने हाथों में नंगी तलवारें और खालिस्तानी आतंकी भिंड रवाले के पोस्टर लिए हुए थे। जी हां, इन लोगों ने जर्नैल सिंह भिंड रवाले के बैनर और पोस्टर को लहराते हुए स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें गेट पर रोक दिया गया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 22 सेकंड के वीडियो में सैकड़ों लोगों को हाथों में नंगी तलवारें और पोस्टर लेकर नारेबाजी करते देखा जा सकता है। दरअसल 6 जून 1984 को सेना का ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ था। इस दिन ही अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में सेना ने आतंकी जर्नैल सिंह भिंड रवाले को ढेर कर उसे आतंकियों के चंगुल से मुक्त कराया था। ये जो वीडियो वायरल हो रही है उस पर केजरीवाल के करीबी रहे कुमार विश्वास ने तो सवाल उठा दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए सीधा सीधा निशाना केजरीवाल पर साधा है और लिखा है कि लोग पूछते हैं कि इतना बड़ा देश बटा कैसे था, ऐसी सुनियोजित साजिशों और हमारी ये सहने की आदतों के कारण। तब भी मुझ जैसे लोग पागल कहे जाते थे, आज भी जब मैं बोला तो लोगों ने नहीं सुना, देश की सारी पार्टियां चुप बैठी हैं और भारत माँ के आंचल को फाड़ने की योजना बनाने वाला मुखर पंजाब का। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि सत्यानाश हो रहा है। दरअसल ये निशाना जो है वो अरविंद केजरीवाल पर है। इसके बाद बीजेपी नेता प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी केजरीवाल और राघव चड्ढा को सुपर सीएम और पर्दे के पीछे का सीएम बताते हुए निशाना साध दिया है, और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि खालिस्तान के समर्थन में रैली और नारे पंजाब में गूंज रहे हैं, और पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम ऑन ड्यूटी राघव चड्ढा उन पर एक्शन लेने के बजाय
उन अलगाववादियों के सामने सरेंडर करके उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन देकर उनकी रैली करवा रहे हैं। ये तो बात हो गई पक्ष विपक्ष के आरोपों की, जो कि सियासत में चलता ही रहता है। लेकिन ये जो आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं, पहले कश्मीर में और अब पंजाब में, इनके मंसूबे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि देश विरोधी राजनेता सत्ता में बैठे हुए हैं, जो नहीं चाहते कि भारत में सुख शांति हो। फूट डालो, देश को बांटो और राज करो जैसी नीति पर चल रहे हैं। ऐसे नेताओं को सबक सिखाना ही होगा। जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, उन पर कार्रवाई जल्द से जल्द होनी ही चाहिए। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ